अपने रोड शो से पहले हार्दिक पटेल ने नाश्ते पर एबीपी न्यूज से बातचीत की। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हार्दिक ने कहा कि पहले चरण की 89 सीटों में 60 सीटें कांग्रेस जीतेगी। हार्दिक ने यह भी कहा कि गुजरात में हार देखकर बीजेपी बौखला गई है। तो हार्दिक का एक बड़ा दावा, पहले चरण में जो 89 सीटें वोटिंग के लिए गई गुजरात में, उसमें से हार्दिक यह दावा कर रहे हैं कि 60 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हार्दिक पटेल से खास बातचीत देखिए। चुनाव के दौरान राजनेताओं की दिनचर्या कैसी होती है, कैसे वो करते हैं टाइम मैनेजमेंट, किस तरह अपने शेड्यूल को वो बनाते हैं और उसके साथ जाते हैं। गुजरात में जो बड़े चेहरे हैं इस चुनाव के, उन सब के पास हम जाएंगे और जानेंगे, और उन्हीं बड़े चेहरों में से एक हैं पास के नेता हार्दिक पटेल, जो फिलहाल अपने घर पर हैं अहमदाबाद के। और अहमदाबाद के आज रोड शो और रैली से पहले पूजा अर्चना करने के बाद अब यहाँ चाय नाश्ता कर रहे हैं। हार्दिक, बहुत ज़बरदस्त शेड्यूल आपका था, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, कई सारे रैलीज रोड शोज आपने किए हैं, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार होता है, समय मिलता है खाना खाने के लिए, किस प्रकार आप करते हैं? मैं आज 5-7 दिन के बाद घर आया हूँ। गांव गांव घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं, किसी और के वहाँ रहने का और खाने का बंदोबस्त होता है। आज घर पर आए तो घर का खाना है, और अभी सुबह सब एरिया में मिलते जाएंगे। दोपहर 2 बजे से रोड शो शुरू होगा, शाम को सभा है, काफ़ी अच्छा होगा। तो आप दोपहर में किस प्रकार समय निकालते हैं, खाने का समय मिलता है, कुछ अपने साथ खाना ले जाते हैं, या जहाँ मिला वहाँ, जगह जहाँ मिला वहीं पर खाना खा लेते हैं? एक्सरसाइज का कोई रूटीन रखते हैं आपकी, क्योंकि बहुत चलना भी पड़ता है लोगों से, क्योंकि लाखों लोगों को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिट रहना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे ही उनके साथ चलता हूँ तो फिट ही हो जाता हूँ ना, लोग जानबूझ कर चलने जाते हैं, मैं उनके साथ चलता हूँ। हमने आपकी सभाएँ देखी, एक सवाल ये है कि सूरत की रैली में करीब 38 से 40 हज़ार लोगों ने आपकी सभा लाइव देखी, जो एक तरह से रिकॉर्ड था फेसबुक का। खबरें आ रही हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो हैं फेसबुक के सीईओ, उनकी तरफ से आपको इनविटेशन दिया गया है, क्योंकि एक तरह से वो रिकॉर्ड था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है ऐसा समर्थन देखकर या इस तरह के इन्विटेशन जाने की? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा चलता है, मैंने दिखा था, कुछ सर्टिफिकेट भी था, लेकिन मुझे ऑफिशियली कुछ नहीं मिला। लेकिन आप जो सर्टिफिकेट देखा आपने, इस तरह की जो अगर बातें आती तो उससे अच्छा ही लगता हो? अच्छा रहता, लेकिन पासपोर्ट नहीं है तो जा तो नहीं पाऊंगा ना। पासपोर्ट नहीं, जा नहीं पाऊंगा। लेकिन एक कल हमने आपका ट्वीट भी देखा, कल की रैली में आपने कहा कि जो जैमर्स लगाए जा रहे हैं जिससे आपका लाइव प्रसारण जो होता है फेसबुक पे सोशल मीडिया पे, वो रोका जा रहा है। कल की महसाना के सभा में काम किया था, जो लाइव होता है वो लोगों तक ना पहुँचाने का बेदरकारी, मतलब सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन फिर भी कल हो गया था, लेकिन फिर भी रिकनेक्ट करना पड़ा हमें, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। कहते डिजिटल इंडिया चलता रहेगा। आप अखबार पढ़ते हैं या ऑनलाइन ही सारे अपडेट लेते हैं चुनावों के, क्योंकि आप लगातार ट्वीट करते हैं हर विषयों पर, तो अपडेट्स आप ऑनलाइन लेते हैं या पेपर पढ़ते हैं? ऑनलाइन ही रहता हूँ, घर पर हो तो पेपर पढ़ता हूँ। आज कुछ चुनावी खबरों पर बात करेंगे। कल एबीपी न्यूज़ से जब आनंद पटेल से बात की, उनसे पूछा कि जो 14 पाटीदार मारे गए थे आंदोलन के समय, क्या उनके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार नहीं है? उनका कहना था कि इसके लिए बीजेपी सरकार नहीं तो हार्दिक पटेल जिम्मेदार। इस पर हार्दिक पटेल ने गोली चलाई है। पहले तो इतने बेवकूफ़ आदमी है कि क्या बोलना है क्या नहीं वो भी नहीं मालूम उनको। हार्दिक, एक सवाल ये भी है कि कल जो एक नेगेटिव प्रचार का पूरा कैंपेन चल रहा है, आप देख रहे होंगे, कल बीजेपी की तरफ से कई बातें की गई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं पहले राम मंदिर का मुद्दा आया, अब कल वो कह रहे हैं कि अहमद पटेल को सीएम बनाने के लिए पाक के विदेश मंत्री से मणिशंकर अय्यर के घर पे 3 घंटे मुलाकात चली। बेवकूफ़ बनाने का काम तो इनसे कोई सीखे। उनकी मीटिंग चल गई वो पता चल गया, लेकिन राम मंदिर कब बनेगा वो पता नहीं चल पा रहा अभी। अरे पाकिस्तान को गुजरात का सीएम बनाने से क्या लेना देना? और अहमद भाई खुल बोल रहे हैं मुझे नहीं बनना, तो जानबूझकर हिंदू मुसलमान की बातें मोदी के मुंह से निकल रही है, शर्म आनी चाहिए उनको। ये राहुल गांधी जब प्रचार करने जाते हैं मंदिर तो उसको लेकर भी मुद्दा बन जाता है कि मंदिर आप क्यों जा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर का विषय आया, जनेऊधारी का विषय आया, इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या समझते हैं? मंदिर भाजपा वाले ही जा सकते हैं, क्यों नहीं कोई जा सकता, सब जा सकते हैं, भगवान किसी का नहीं, भगवान सबका है। कल अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिग्नेश मेवाणी पर भी सवाल उठा दिया कि PFI से फंडिंग आती है, इस पर जो है ऐसे लोग कांग्रेस उसको समर्थन दे रही है, इस पर आप क्या समझ कैसे देखते हैं? दुख की बात है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे घटिया आरोप लगाता है, और जब हार देखी जाती है, जब हार नज़र के सामने आती है
तब जाके अच्छे शब्द निकलते हैं। पहले फेज का चुनाव हो गया है, आपका एनालिसिस किस प्रकार का है? अभी दूसरे फेज के चरण के लिए आप रोड शो रैली कर रहे हैं, पहले फेज का आपका आकलन क्या कहता है? अच्छा रहेगा, पहले फेज में 60 सीट कांग्रेस को शायद मिलेगी। 60 सीट कांग्रेस को मिलेंगी। आप अपनी सेकंड फेज के लिए तैयारियां कर रही हैं, सेकंड फेज के लिए आप क्या आकलन कर रहे हैं? क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या कमल वापस खिलेगा, आपको क्या लगता है? जो जनता तय करेगी वही होगा। आप को जो जनसमर्थन मिलता है उसको देखकर तमाम लोग ये पूछते हैं या सवाल आता है कि क्या हार्दिक पटेल इस जनसमर्थन को वोट में तब्दील कर पाएंगे, और क्या भविष्य में, आप अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद आप बाद में बाई इलेक्शन लड़के डिप्टी सीएम बन सकते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्या आप आगे जाकर राजनीतिक कोई कदम उठाएंगे? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, सोचूंगा जरूर बताऊंगा। ये कांग्रेस के साथ जाने की बात भी हो रही है कि शायद हार्दिक बाद में चुनाव के बाद में कांग्रेस के साथ जाकर एक राजनीतिक पहल कर सकते हैं, क्या इसके लिए आप ओपन है या वो सारे ऑप्शंस बंद है फिलहाल के लिए? ओपन है लेकिन 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद एक सवाल ये भी कि आपके जो खास लोग हैं वो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, दिनेश बामणिया ने गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगाना लोगों का अधिकार है, अच्छा है चले गए। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे हार्दिक, सेकेंड फेज का चुनाव होगा 18 दिसंबर को, आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं और किस तरह का गणित आप लगा रहे हैं? गुजरात की जनता खुश रहेगी। बिल्कुल, तो हार्दिक पटेल यहाँ साफ कह रहे हैं कि गुजरात की जनता खुश रहेगी और तमाम चीज़ों पर उन्होंने यहाँ बात की है, और अभी यहाँ अपने घर से पूजा अर्चना नाश्ता करने के बाद वो रोड शो रैली में जाएंगे। तमाम सुबह से लेकर दोपहर तक ये रोड शो चलेगा और शाम को एक बड़ी रैली होगी। हम पूरे दिन इनके साथ रहेंगे और जानेंगे कि आखिर हार्दिक पटेल मैजिक क्या कहता है और लोग हार्दिक पटेल से क्यों जुड़ते हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज अहमदाबाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।